हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को लेकर अक्सर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई तरह के खुलासे हुए हैं, लेकिन आज जो खुलासा होने जा रहा है उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह रवीना टंडन के ऊपर मुसीबतों का टूट रहा है पहाड़, तो वहीं पर किस किस दौर से रवीना टंडन गुजरी हैं। दरअसल यहां पर एक इंटरव्यू के दौरान, जब फिल्म इंडस्ट्री में जगह खोजने के लिए अपना रास्ता कैसे बनाए पर अगर जवाब पूछा जाए, तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी करियर की शुरुआत स्टूडियो में साफ सफाई का काम करते हुए की थी। मेरा काम बाथरूम और स्टूडियो की जमीन से उल्टियां साफ करना था। मैंने प्रहलाद कक्कड़ को शायद 10वीं क्लास से निकलने के बाद असिस्ट करना शुरू कर दिया। तब लोग मुझे कहते थे कि तुम कैमरे के पीछे क्या कर रही हो, तुम्हें स्क्रीन के सामने होना चाहिए, और मैं कहती थी नहीं नहीं, वो भी एक्ट्रेस कभी नहीं। रवीना ने कहा, सच कहूँ तो मैं आज इंडस्ट्री में डिफॉल्ट से हूँ। मैंने यहाँ आते हुए कभी नहीं सोचा था कि मैं अभिनेत्री बनूंगी। अभिनेत्री ने फिर मॉडलिंग से एक्ट्रेस बनने तक के सफर को भी शेयर किया। रवीना टंडन ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब भी कोई मॉडल नहीं आती थी तो प्रहलाद कक्कड़ उन्हें ड्रेसअप करने और पोज देने के लिए कहते थे। एक्ट्रेस ने कहा, फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे यही सब करना है तो मैं बार बार प्रहलाद के लिए ही फ्रेम में क्यों काम करूँ, क्यों ना इसमें कुछ पॉकेट मनी बनाऊं, और इस सोच से मैंने मॉडलिंग की शुरुआत करी। साथ ही उन्होंने अपने पूरे स्ट्रगल की भी बात करी कि किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो शुरुआत में किस तरीके का काम किया करती थी। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।